हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि अगर आपका एडवोकेट आपके साथ गलत कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि आपके एडवोकेट साहब सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, वो सामने वाले पार्टी से मिल गए हैं, तो इस स्थिति में यदि आप अपने एडवोकेट को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने वकील साहब को बदलना चाहते हैं, कोई नया वकील साहब अपॉइंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अपने नए एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं और पुराने एडवोकेट से जो फाइल है वो ले सकते हैं, तो इसी टॉपिक को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपके जो पुराने एडवोकेट हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, आपके जो मुद्दा है, आप जो केस उनको दिए हैं उस पर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो फाइल को सही से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, आपको लग रहा है कि वो सामने वाले पार्टी से मिल गए हैं, तो इस स्थिति में आप अपने एडवोकेट से फाइल ले सकते हैं। आप जब अपने पुराने एडवोकेट से फाइल लेने के लिए जाते हैं तो वो हो सकता है कि वो फीस को लेके या किसी अन्य बातों को लेके वो फाइल देने से मुकर रहा हो, वो फाइल नहीं देना चाह रहा हो, तो उस स्थिति में भी आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन के साथ लीगल नोटिस लगाएं। लीगल नोटिस वो नोटिस होगा जो लीगल नोटिस आपको यदि वो एडवोकेट से आप फाइल नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले उनको आप एक नोटिस भेजिए। नोटिस में आप इस चीज़ों को लिखिए कि आप यदि फाइल नहीं देंगे तो मैं कोर्ट में इस चीज़ों को जज साहब के सामने रखूंगा, फिर भी यदि वो फाइल नहीं देते हैं तो एक एप्लीकेशन आप लिखिए और एप्लीकेशन के साथ उस नोटिस को, जो नोटिस आपने पुराने एडवोकेट को भेजे हैं वो नोटिस की कॉपी उसमें लगा दीजिए, ताकि वो पुराने एडवोकेट जो हैं वो आपके फाइल में कुछ छेड़छाड़ ना कर सके, कुछ उसमें अलग कार्यवाही ना कर सके, आपके केस को ख़राब ना कर सके, क्योंकि एप्लीकेशन देने का मतलब और जो नोटिस आपने एडवोकेट को दिए हैं वो नोटिस देने का मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप कोर्ट को बता रहे हैं, कोर्ट के संज्ञान में आप दे रहे हैं, कोर्ट के नॉलेज में आप दे रहे हैं कि मैं पुराने एडवोकेट को चेंज कर रहा हूं, वो फाइल नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे इस पे जजमेंट भी हैं, उसमें बताया गया है कि अगर कोई एडवोकेट चेंज करना चाह रहा है, कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट को चेंज करके नया एडवोकेट अपॉइंट करना चाह रहा है और वह एडवोकेट यदि फाइल नहीं दे रहा है तो ये गलत है, वो फीस के कारण अपने फाइल को नहीं रोक सकते हैं। फीस यदि उन्हें अपने क्लाइंट से वसूली करना है तो वो लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से वसूली करें, ना कि फाइल रोके करें। तो इसीलिए आपका एडवोकेट जो पुराने हैं वो फाइल नहीं रोक सकते हैं, इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा गया है, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। आपका फाइल वो देंगे, फाइल के साथ साथ उनसे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC भी ले लें, ताकि आप नए एडवोकेट को जो अपॉइंट करेंगे तो उनको NOC दे देंगे कि उन्होंने पुराने एडवोकेट से जो आपने NOC लिए हैं वो भी उनको दे देंगे, ताकि वो कोर्ट में ये भी दिखा सके कि पुराने एडवोकेट साहब से मैंने NOC ले लिया है, और वो अपना वकालतनामा, जो नया एडवोकेट आप अपॉइंट करेंगे वो अपना वकालतनामा कोर्ट में फाइल करेंगे और आगे से जो भी कार्रवाई होगी उसका पैरवी आपके केस में वो नए एडवोकेट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने एडवोकेट को चेंज करके नया एडवोकेट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब कभी आप एडवोकेट बदलने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले आप पुराने एडवोकेट से हो सके तो बातचीत कर लें, उनके देख लें कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि एडवोकेट चेंज करते हैं तो आप तो करेंगे चेंज इसलिए कि मेरा केस नया एडवोकेट सही से लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है आपको गलत भुगतना पड़े, गलत आपके साथ हो जाए, क्योंकि एडवोकेट चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप पुराने एडवोकेट को भी बोल सकते हैं कि सर सही से आप थोड़ा केस को देख लीजिए, इस पर टाइम दीजिए, और हो सके तो आपके जितने भी डेट होते हैं सारे डेट पे कोर्ट में आए, ताकि एडवोकेट को ये लगे कि क्लाइंट जो है वो आते हैं, क्लाइंट केस को सीरियस में लिए हुए हैं।
क्लाइंट क्या करता है कि एडवोकेट अपॉइंट कर देते हैं, उनको लगता है कि मैंने एडवोकेट अपॉइंट कर लिया, वो डेट पे आते नहीं है, जिस कारण से एडवोकेट जो है आपके केस को हल्के में लेके और उसको डेट पे डेट लेके अपना आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब कभी किसी एडवोकेट के पास केस देते हैं तो केस देने के बाद जो भी डेट लगता है आप केस पे आइए, डेट पे आइए, डेट को अटेंड कीजिए, देखिए कि इस डेट में क्या हुआ है, अगले डेट में क्या होगा। आप अपने एडवोकेट से ये सारे चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब देने का उनको कर्तव्य बनता है कि आपको वो जवाब दें। तो इस तरीके से एडवोकेट चेंज करना ही सॉल्यूशन नहीं होता, फिर भी आपको यदि लगता है तो जो मैंने प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने पुराने एडवोकेट को चेंज कर नया एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।